अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक है? एंड वेरी क्विकली, कैन यू आंसर सर, कैन यू हियर मी और नॉट? कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। अब देखो, कैन यू सी इट? अच्छा, इफ यू कैन सी इट, कैन यू टेल मी व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? नाउ आई एम जस्ट मेसिंग विद यू, आई नो इट्स विजिबल, आई नो इट्स विजिबल। ओके सर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट क्लास टुडे, एंड अगर पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे तो मुझे बताइएगा। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। एज वी मेंशन्ड इन द फर्स्ट क्लास दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस क्लास इनटू टू हाफ्स। द फर्स्ट हाफ विल बी रिलेटेड टू, वन हाफ विल बी रिलेटेड टू ग्रामर एंड वन हाफ विल बी रिलेटेड टू वोकैबुलरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द वोकैबुलरी, राइट? ठीक है जी, सो जब मैं लिखने का बोलूं तब बोल, तब स्टार्ट करिएगा। ठीक है? अच्छा, यू नो दैट यू नो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अ लॉट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, द फूड इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सर, पाकिस्तान की डिश नहीं है स्पेगेटी एंड मीट बॉल्स, स्पेगेटी बोलोनीज, बट वी आर स्टिल ईटिंग इट। सर, इसी तरह जो है वो हमारा जो पकौड़े या शीर खुरमा है वो सर यूके में भी बड़ा बिकता है, बट इट्स नॉट देयर डिश। सिमिलरली, जस्ट वेरी सिमिलर टू दैट, लैंग्वेज हैज ट्रांसफर्ड, यू नो, लैंग्वेज हैज बीन टेकन बाय वन कल्चर फ्रॉम अनदर। ठीक है? हम इंग्लिश बोलते हैं, सम अदर पीपल ट्राई टू स्पीक आवर लैंग्वेज। अच्छा, इसकी सर एक मिसाल मैं आपको दूं, तो डू यू नो एनी उर्दू वर्ड? हम हमारे आसपास इतनी ज्यादा इंग्लिश है दैट वी कैन यू नो सिंपली वी कैन नॉट अवॉइड इट। सो फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो द उर्दू वर्ड ऑफ एम्बुलेंस? सर, डू यू नो द उर्दू वर्ड फॉर एम्बुलेंस और डू यू नो द उर्दू वर्ड फॉर फायर ब्रिगेड? नहीं सर। सर, डू वी नो व्हाट टू कॉल दिस मोबाइल फोन इन उर्दू? पता सर हमें इन तीनों वर्ड्स का? सर, एक और देखते हैं। सर, हमारे पास है एक वर्ड ग्लास। राइट? सो वी डोंट नो एनी उर्दू वर्ड। सर, मुझे इनमें से सिर्फ एक का पता, दिस वन सर, जिसको कहते हैं हम लोग कैमरा। एग्जैक्टली, कैमरा। सर, हम इसको शीशा नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं आब होरा। ठीक है? बट दैट्स नॉट द पॉइंट। सर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो एक और बंदे ने भी कहा था, हिज नेम वाज सर सैयद अहमद खान। ही वाज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ वेस्टर्न लर्निंग, ही वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न लर्निंग, राइट? सबको पता ना ये? तो उन्होंने एक बात बोली थी सर कि हमारे पास अगर किसी जुबान में दूसरी जुबान के अल्फाज को समोने की, एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी नहीं रहती है तो दैट लैंग्वेज बिकम्स अ डेड लैंग्वेज वेरी सून। लेट मी राइट इट डाउन। सर, इफ अ लैंग्वेज लूजेस द ability to absorb other words of different languages, it becomes a dead language very soon.
यस दिस इज द क्लास ऑफ इंग्लिश. मोबाइल फोन को सर आला गुफ्तगु शायद. ठीक है हारिस, यस दिस इज अ क्लास ऑफ इंग्लिश बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ पॉइंट एंड फॉर दैट आई हैव जस्ट गिवन अ कोट फ्रॉम समवन. ठीक है तो सर इसी तरह इंग्लिश एक्सप्लोडेड इन आर कॉन्टिनेंट व्हेन द इंग्लिश पीपल अराइव्ड राइट. सर यहाँ पे जब अंग्रेज आए तो हमें एक वर्ड मिला जिसको हम कहते हैं लाट साहब. डू यू नो व्हाट इज द रियल वर्ड फॉर दैट. सर हमने एक्चुअली लॉर्ड मिस्टर लॉर्ड और लॉर्ड साहब सर हमने बोला मेम बट दैट वाज एक्चुअली द वर्ड मैम. सर इसी तरह सिर्फ ये वन वे ट्रांजेक्शन नहीं है. दिस हैज हैपेंड इन इंग्लिश टू. सर हमारे पास एक वर्ड था जिसका नाम था बरामदा and in English it has been called a veranda. सही है. So हमारे पास एक word था sir bungalow, बल्कि बंगला. और इन्होंने इसको जब लिया तो sir ये बन गया क्या bungalow. Do you get what I'm saying? Do you understand this everyone? So some words have taken other words and you know some languages have absorbed different words of different languages. Now so the word that I'm writing it down I want you to note it down as well. So this is called lingua franca. Now what is a lingua franca? Sir it is language that is used by different speakers of different countries. So jinki apni language alag hai. For example we have a Chinese, so we have a Turkish, so we have a Polish and we have you know an Indian for example, right? So none of these people know how to understand or how to speak the language of the other person, so they need a common medium. So that medium nowadays is English, right? ठीक है जी. सर इसी तरह कभी किसी टाइम पे उर्दू वाज आल्सो अ लिंगुआ फ्रैंका. व्हेन अकबर केम टू दिस, व्हेन मुगल्स केम टू दिस रीजन, तो उनकी फौज में बहुत सारे अलग अलग लोग थे, अलग अलग यू नो कल्चर, अलग अलग जुबानें बोलने वाले लोग थे. सो व्हाट दे डिड, दे फॉर्म्ड एन उर्दू लैंग्वेज, अ लैंग्वेज व्हिच इज यू नो व्हिच अब्सॉर्ब्ड ऑल द अदर वर्ड्स एंड व्हिच वाज यूज्ड एज अ कॉमन मीडियम, राइट? तो सर उर्दू में, उर्दू को आपने सुना है कभी किसी ने कि हम लोग इसको लश्करी जुबान भी बोलते हैं? तो सर वो लश्करी जुबान क्यों बोली जाती है? बिकॉज इट इज अ लैंग्वा, इट इज अ लिंगुआ फ्रैंका. अच्छा जी, अब कुछ ऐसे वर्ड्स की अगर बात करें जो हमारे पास आते हैं, तो सर बेसिकली द टॉपिक दैट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस टुडे इज फॉरेन phrases. सर अब यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड नाउ लेट मी शो यू समथिंग एल्स. जी सर, इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका. तो ये देखिए सर, ये वो वर्ड्स हैं जो हमारी हिंदी से उर्दू में गए,
या हिंदी और उर्दू से इंग्लिश में गए, तो सर बैंगल इज अ वर्ड, बंगलो इज अ वर्ड, पॉट इज अ वर्ड, देखो इज अ वर्ड, देखो इज अ कुक, क्विक लुक, जंगल, बाजार, लूट, टाइफून, वरांडा, शॉल, पजामास, दीज आर ऑल द वर्ड्स टेकन फ्रॉम दिस लैंग्वेज. सर व्हाई इंग्लिश बिकम्स अ कॉमन मीडियम? रीजन देखो, इसकी बात होती है कि कौन सी नेशन कितना डेवलप्ड है. देयर वाज अ टाइम व्हेन मुगल्स वर सुपर पावर्स, राइट? देयर वाज अ टाइम इन हिस्ट्री व्हेन ईस्ट वाज पावरफुल, और सारी इन्वेंशंस जो होती थी वो इसी जुबान में हुआ करती थी. अब देखो, वेस्ट इज मोर पावरफुल, वे मोर पावरफुल देन द ईस्ट, ठीक है? एक टाइम तक ब्रिटेन और यूएसए का जो है वो राज चला है पूरी दुनिया पे. सो एवरी इन्वेंशन, एवरी रूल, एवरी इंटरनेशनल लॉ, एवरी लीगल टर्म हैज बीन डेवलप्ड और अब्सॉर्ब्ड इनटू इंग्लिश. यहाँ तक के नबियों के भी नाम उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किए हैं, जिसकी एग्जाम्पल हजरत सुलेमान बिकम्स सोलोमन, मूसा बिकम्स मोसेस, आदम एंड हवा बिकम्स एडम एंड ईव. सो द लैंग्वेज दैट रूल्स सर, दैट एस्टेब्लिशेस ऑल द साइंटिफिक एंड एडवांसमेंट्स, सर उसी की जुबान चलती है. माइट इज राइट as the politics say. I hope this answers your question, Sneha. ठीक है जी, आगे बढ़े. सर यू नीड टू राइट द वर्ड्स दैट आई एम मार्किंग, ओके? सर ये लिखे एड इनफिनिटम सबसे पहले. Ad infinitum is a Latin word which is absorbed into English. अच्छा, ये बहुत सारे words ऐसे हैं जो law में भी use होते हैं, तो इनके ऊपर खास importance देनी है, खास stress देनी है, ठीक है? Sir, ad infinitum comes from Latin and it means something that happens continuously, that happens endlessly. ठीक है? Note this word down first of all. सर दिस वन इज कॉल्ड एड हॉक और एड हॉकिज्म. वो कहते हैं सर, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है समथिंग दैट इज डन ऑन टेंपरेरी बेसिस, समथिंग दैट इज डन, समथिंग दैट इज नॉट अ परमानेंट थिंग.
जी बेटा, इसको कॉपी करना अपने पास। डन विद दीज टू वर्ड्स। ठीक है सर, एक नजर मैं इसको यहां पर भी दिखा देता हूं आपको। सर जो बिल्कुल देन एंड देयर, बिल्कुल वहीं के वहीं किया जाए। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू, समथिंग विच इज डन इन इमरजेंसी और समथिंग विच इज टेम्पररी। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। एल्फ्रेस्को लिखे हैं सर। एल्फ्रेस्को मीन्स इन द ओपन एयर। नाउ आपने देखा होगा कि रोड साइड रेस्टोरेंट्स होते हैं कुछ, जैसे फूड स्ट्रीट्स होती हैं। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ पेरिस, लंदन एंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। सर द स्ट्रीट्स आर सो ब्यूटिफुली मेड कि वो वहां पर बाहर कुछ चेयर्स लगाते हैं, कुछ अम्ब्रेला लगाते हैं। द सीन इज जस्ट सो ब्यूटिफुल टू ईट, राइट। और उनकी कॉपी में पाकिस्तान में बंस रोड पे जब अंग्रेज यहां पर आए तो दे मेड फूड स्ट्रीट्स हियर। तो एल्फ्रेस्को इज डन समथिंग व्हिच इज एल्फ्रेस्को इज समथिंग व्हिच इज डन इन द ओपन एयर। सो देन बेटनोर लिखें सर, फ्रेंच वर्ड एब्जॉर्ब्ड इनटू इंग्लिश व्हिच मींस दैट समथिंग That can be considered as a weakness. So, betanoir. Done. Okay. Sir, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा? I mean, these are new words, but don't get confused about it. सर बोनाफाइड, ये वर्ड आपने बिल्कुल सुना होगा, काफी सारे लोगों ने सुना होगा। द व्हाट्सएप ग्रुप विल नॉट बी क्रिएटेड। मुझे कल ही मैनेजमेंट का एक वो मैसेज मिला यार, एंड दे वर लाइक यू नो सर वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, वेट फॉर अ फ्यू डेज बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ ग्रुप। तो मे बी दे हैव सम फॉर्मेलिटी, सम कंफर्मेशन फ्रॉम यू गाइस, मे बी एक दो दिन में हो जाएगा वो इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, परेशान नहीं होएगा सर। बेटनोर से पहले वाला था हमारे पास एल्फ्रेस्को। एल्फ्रेस्को का मतलब था ओपन रेस्टोरेंट्स। व्हाट आर ओपन रेस्टोरेंट्स सर? एल्फ्रेस्को मीनिंग सर ओपन एयर इवेंट्स जो होते हैं सर, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स होते हैं। ये देखें सर, दिस इज काइंड ऑफ एन एल्फ्रेस्को सेटिंग। हैव यू सीन दिस समथिंग लाइक दिस इन द मूवीज? ठीक है, सो दिस इज एन एल्फ्रेस्को सेटिंग और आउटडोर डाइनिंग। अब मजेदार बात यह कि जब आप बोलते हो ना आउटडोर डाइनिंग, सर सब समझेंगे, सब समझेंगे ये वाली बात को। एल्फ्रेस्को इज आई गेस स्पैनिश। तो द मिनट यू से आई वांट टू हैव एन एल्फ्रेस्को एक्सपीरियंस, सर आधी से ज्यादा आवाम जो है ना वो परेशान हो जाएगी कि यार ये कौन है। एंड यू नो दिस मींस दैट योर वोकैबुलरी इज सो हाई एंड दैट नाउ आप वाकई पढ़े लिखे साउंड करेंगे सर। यस और नो? So basically, a chartered accountant has to be far above and beyond than the rest of the people. That's what they're trying to do here. ठीक है जी, आगे बढ़े आगे, परेशान तो नहीं हो गए? Sir, in some words they have the first. नहीं, इसको छोड़ दें, उसकी कोई इशू नहीं है सर। एग्जाम के लिए भाई स्टडी टेक्स्ट में गिवन है इसने। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? चले जी, बोनाफाइड करें, आगे आगे बढ़े। बोनाफाइड का मीनिंग क्या है सर? बोनाफाइड इज समथिंग व्हिच इज जेन्युइन, ऑथेंटिक, समथिंग डन इन अ गुड फेथ। चलें जी आगे बढ़ते हैं सर। एंड द प्रोनाउंसिएशन इज बोनाफाइड, द राइटिंग इज, द स्पेलिंग इज बोनाफेदे, लैटिन वर्ड।
कार्पेडियम छोड़ें सर, कार्पेडियम बल्कि देख लेते हैं एक दफा। कार्पेडियम कहते हैं जी मौके पे चौका मारना, लाइक इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी सीज इट, इफ यू इफ गॉड हैज गिवन यू सम सम एबिलिटी ट्राई टू यूटिलाइज इट फॉर फॉर योर गुड, फॉर फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। सो कार्पेडियम मींस टू सीज द डे, इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक एट द राइट टाइम। फॉर एग्जाम्पल सर, if you have been given the chance to achieve a merit, carpe diem sir. ठीक हो गया जी, should we move on? Aloha. All right, so carpe diem is to seize the day. सर नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉज़े सेलिब्रे। कॉज़े सेलिब्रे मींस एक ऐसा केस जो बहुत ज्यादा फेमस हो। सर फेमस केस, अ कंट्रोवर्शियल इश्यू दैट अट्रैक्ट्स अ ग्रेट डील ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सर एक कॉज़े सेलिब्रे की मैं एग्जांपल आपको दूं, आजकल वो देख रहे हैं आप लोग, एक वीडियो इंडिया में वायरल हुई भी है, लेडी क्रॉसिंग द रोड एंड स्लैपिंग एंड बीटिंग द हेल आउट ऑफ दैट गाय, द टैक्सी ड्राइवर। हैव यू सीन दैट वीडियो? सर दैट इज अ कॉज सेलिब्रे बिकॉज इट इज फेमस। सर निर्भया रेप एंड मर्डर केस सुना आपने, इंडिया में हुआ था। हैव यू हर्ड दैट? अच्छा चले, नहीं सुना सर। नूर मुकद्दम का नाम सुना? सर नूर मुकद्दम इज एन अनफॉर्चुनेट लेडी हु वॉज बीहेडेड इन पाकिस्तान। ठीक है सर। सर वो केस सुना था जब डीएचए में दो डॉग्स दे वर अनलीश्ड एंड दे अटैक द लॉयर। सर दीज आर ऑल कॉज सेलिब्रे। ठीक है, देखें तो मैंने आपको जो एग्जांपल दी है वो सारी सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ से आई है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक पनामा लीक्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, गुड गुड शो सर। कॉज सेलिब्रे हो गया सर। कैवियट लिखे हैं सर, कैवियट कहते हैं वार्निंग को, सही है। और लॉ में आपके सेल्स टैक्स एक्ट में एक लॉ आएगा, एक पोर्शन आएगा, एक टॉपिक आएगा जिसको बोलेंगे हम कैवियट एम्प्टर, जिसका मतलब क्या है सर, लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर मींस जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो बेचने वाला तो बेच के चला जाता है सर। लॉ आपको कहता है, इट इज एज पर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 आई गेस, कि ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, खरीदने वाले की, कि वो पहले चेक करे, वो पहले तसल्ली करे, फिर वो खरीदे। एंड फॉर्चुनेटली पाकिस्तानीज आर वेरी गुड एट इट। सर आप यकीन करें, इंडिया एंड फिलीपींस एंड पाकिस्तान, वी आर बिग इंडस्ट्रीज विद चीप लेबर, वी आर बिग कंट्रीज विद चीप लेबर। तो यहाँ पे कॉल सेंटर्स बड़े फेमस हैं। अब कॉल सेंटर्स क्या करते हैं सर, फोन पे एक बंदा होता है जो किसी भी क्लाइंट को कोई चीज बेच देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग पैकेजेस बेच सकते हैं सर, होटल विजिट्स बेच सकते हैं, ठीक है, या इंश्योरेंस बेच सकते हैं। Now the thing is that American or Western people are so fond of this, or you keh le ke so fond to nahi kehna chahiye, so innocent in a way that they do not see the buyer, they do not see the product, they just see the person, they just hear the person's voice and they give their personal information like their credit card numbers. Aap aisi harkat karenge sir? Will you do something like that over the phone? Nahi sir, bilkul nahi, bilkul bhi nahi. सर पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर अगर आप मुझे जानते नहीं है और मैं आपके सामने एक नया आईफोन बिल्कुल लेके खड़ा हुआ हूंगा और वो ओपन है, डिब्बे में नहीं है, तो आप तब भी वो मुझसे नहीं खरीदेंगे। 90% लोग नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे कि यार ये चोरी का, ये कोई और मामला है, ये कोई कुछ है, ये कोई कुछ है, राइट? इट मीन्स दैट एज अ पर्सन, एज अ नेशन, वी आर मोर यू नो लाइक अवेयर। ठीक है, वी आर मोर कॉशियस इन अ वे। देखिए सर, मेनी पीपल हैव लॉस्ट मनी ऑन दिस इन्वेस्टमेंट बट इट इज नॉट नो फॉल्ट बट देयर ओन, आफ्टर ऑल
कैवियट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है जी, सही है यहां तक सर। हाउ विल कैवियट बी यूज्ड इन अ सेंटेंस? कैवियट को छोड़ें, कैवियट एम्प्टर याद रखें। ठीक है, कैवियट एम्प्टर को याद रखें और सेंटेंस ये रहा सर। ठीक है अनीक, ऑलराइट। डिफैक्टो लिखें जी, डिफैक्टो का मतलब होता है दर हकीकत, इनफैक्ट, अगेन अ लीगल वर्ड, लैटिन वर्ड, लीगल वर्ड। Do you know the meaning, everyone? Or do you understand the meaning? How to use it? Yeah, give example. Doom. Should I give you an example? Example. Sir, have you seen the movie Aladdin? Or have you seen the cartoon Aladdin? अच्छा सर, जिसने देखा है wonderful, जिसने नहीं देखा है मैं उनको बता दूँ सर, उस movie में एक राजा होता है, सही है, जिसको राजा ही बोलते हैं इनफैक्ट, और सर उनका एक वजीर होता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों? ठीक है सैम, सर जफार नाम होता है बंदे का। अब मुझे ये बताओ, जो हुकूमत के सारे निजाम है वो बादशाह चला रहा होता है या जफार चला रहा होता, वजीर चला रहा होता? सर जफार चला रहा था, क्योंकि बादशाह साहब को अपने खिलौनों से और यू नो तोतों को क्रैकर खिलाने से फुर्सत नहीं होती है, वो अपने मतलब मस्ती में लगे हुए होते हैं। सो डिफैक्टो रूलर कौन हुआ सर? वो वजीर था, यानी वजीर हकीकत में बादशाह था। अच्छा, वंस अगेन सर एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है सर, बहादुर शाह जफर जैसे लोग हैं वो 1857 तक जो है वो खड़े हुए हैं, लेकिन दर हकीकत हाकिम कौन बन चुका था उस वक्त? हु वॉज द रियल रूलर? Were they Britons or were they ये हमारे अपने rulers? So British people were the rulers. Sir, अभी जो government setup चल रहा है, कौन है de facto ruler? Imran Khan या कोई और? बस सही है, समझ गए सर, समझ गए आप, समझ गए। रजा खान को भी कोई बता दीजिएगा। ठीक है, तो डी फैक्टो सर, टेक अ लुक। सही है, शुड वी मूव ऑन? चले सर आगे बढ़ते हैं। टी फैक्टो, डेजावू लिखे सर, किसी को पता है इसका मतलब? सर इफ यू नो द मीनिंग, नहीं, काइंड ऑफ क्लीशे, ठीक है। डेजावू इज समथिंग यू नो अ सिचुएशन व्हिच हैज हैपेंड बिफोर, आपने आपको लगे कि यार ये कहीं ख्वाब में या कहीं पहले हुआ हुआ है, इट अ फीलिंग ऑफ यू नो फेमिलियरिटी। सही है, सो अगर आपको लगता है कि ये सीन पहले हो चुका है तो दैट मीन्स दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी डन। सो उस सिचुएशन के लिए हम लोग बोलेंगे क्या? डेजा वू, फ्रेंच वर्ड सर। व्हेन आई एंटर्ड द बिल्डिंग आई हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेजा वू, आई लेटर रियलाइज दैट आई हैड इट हैड रिमाइंडेड मी ऑफ माई स्कूल मेनी ईयर्स अगो। सो डू वी हैव टू राइट द सेंटेंस और सर मीनिंग? जस्ट द मीनिंग, जस्ट द मीनिंग, word and the meaning, that's it, sentence aapki wo clarity ke liye bas, theek hai? There's a song called Deja Vu, yes, acha ji, Dolce Vita, I remember the meaning, lekin sir Dolce Vita means a bed of roses, Dolce Vita means a sweet happy life. सर ये डेजावू का मतलब सामने है, बिल्कुल
ठीक है सर, डोल्से विटा मींस अ बेड ऑफ रोजेस, अ लग्जूरियस कंफर्टेबल लाइफ। अभी राइट नाउ योर एएफसी सर, दिस इज द डोल्से विटा ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दिस इज द इजीएस्ट लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है, सर दिस सेंटेंस कुड हैव बीन बेटर, लेकिन चला। सर आगे बढ़े, यस और नो, प्लीज मुझसे बात करें सर, यस सर नो सर कुछ बोला करें, ताकि मैं फिर उसके आपके स्पेस के हिसाब से आगे बढ़ूं। ठीक है, यस सर ओके सर, एग्जाम्पला ग्रेशिया ये आप बचपन से जानते हैं, है ना? एग्जाम्पला ग्रेशिया सर आप क्या लिखते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल ईजी, तो ये सर पुराना है, लिखना चाहें तो लिख लें, एटसेट्रा सर हमें बचपन से पता। ठीक है, एंड मेनी मोर, एंड सर एंड मास छोड़ दें सर, ये डू यू वांट टू राइट दिस डाउन, एग्जाम्पला ग्रेशिया और एटसेट्रा। सब बता दें, नहीं लिखना जी, चलें आगे सर। इन्फेंट टेरेबल लिखें, इन्फेंट टेरेबल ये वो होता है ना, कि एक घर में कैसा बच्चा होता है, एक फैमिली में, क्लास में कैसा बच्चा होता है जिसने बाकी सबके नाक में दम किया हुआ होता है सर, अ टेरेबल चाइल्ड। देर इज ऑल्सो मूवी इन द 80s, आई गेस इन द 90s, प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से, देखिएगा। अगर आप बचपन में मूवीज देखते थे तो सर आपने एक मूवी का नाम सुना होगा या देखी होगी, बेबीज डे आउट। सही है, तो दैट बॉय दैट चाइल्ड प्रूव टू बी एन इन्फेंट टेरेबल फॉर ऑल द गून्स एंड बैड गाइज, या तो सर इन्फेंट टेरेबल इज अ टेरेबल चाइल्ड, वहीद वॉज इन्फेंट टेरेबल ऑफ द क्रिकेट क्लब, मतलब अपने इलाके का, अपनी टीम का गुंडा। ठीक है जी, यू कैन कॉल इट लाइक यू नो, शोएब अख्तर वॉज इन्फेंट टेरेबल इन हिज टाइम, शाहिद आफरीदी वॉज प्लेइंग द सेम रोल। आगे बढ़ते हैं सर, एक्सेंटे का मतलब लिखें सर और एक्सपोज का मतलब लिखें। सर एक्सेंटे का मतलब होता है प्लांड और एक्सपोज का मतलब होता है एक्चुअल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से आप जो हैं वो अपना एमएससी कंप्लीट कर लेते हैं, आपका स्टाइपेंड हो जाता है 50,000 रुपये। सही है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट परसेंटेज ऑफ 50,000 रुपीज शुड बी स्पेंट एंड व्हाट परसेंटेज शुड बी सेव्ड? सर शुड इट बी 60-40, शुड इट बी 70-30, शुड इट बी 90 एंड 10? नहीं, एक एवरेज बताओ ना, आइडियल 60-40 काफी मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है चले। सर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फाइनेंस सर, एटलीस्ट 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 आपका ना हर हाल में 10% से ऊपर जानी चाहिए, मिनिमम 10% तो सेव होना चाहिए। मतलब इफ यू हैव 50,000 तो 5,000 कहीं चुप कर गया, आप कहीं फेंक दें सर, उसको इन्वेस्ट कर दें, सेव कर दें, कुछ कर दें उसका। अच्छा, ये जो आप अभी बता रहे हैं सर, ये है क्या, एक्सेंट है, मतलब आपने जो प्लान किया, लेकिन सर अचानक से घर में कोई शादी आ गई, खुदा ना करे सर बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, छत गिर गई किसी के घर की सर, ऐसा हो गया कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो हमारी सेविंग सर वो नहीं रहती जो हम प्लान करके बैठे हुए थे। तो अब हम बात करेंगे सर एक्चुअल सेविंग के ऊपर। ठीक है, देखें सर, सो बेस्ड ऑन फोरकास्ट रादर देन ऑन एक्चुअल रिजल्ट, यानी प्लान क्या है, एंड बेस्ड ऑन एक्चुअल रिजल्ट रादर देन ऑन फोरकास्ट। क्लियर है बच्चों? सर यस सर, नो सर, मे बी सर, यस सर,
It is clear. So take a look. सर मीनिंग ये रहा आपका बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड दिस वन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स. ठीक है, कॉपी कर लिया तो आगे बढ़े. सर व्हाई दीज वर्ड्स आर सो रेयर लाइक वी डोंट कम टू लिसन दीज ऑन अ रेगुलर बेसिस. बेटा आप लॉ पढ़ने जा रहे हैं ना, लॉ में दिखेंगे आपको ये वर्ड बहुत सारे. ठीक है, ये ले अब. सही है, और सर क्या दीज वर्ड्स आर यूजली यूज बाय लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. हाउ मेनी लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डू यू सी इन रियल लाइफ, और अगर होते भी हैं तो वो आमतौर पे ऐसे वर्ड्स लैंग्वेज में यूज नहीं करते. दिस इज ऑल रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है जी, आगे बढ़े. चल आगे बढ़ते हैं सर. सर फेट अकॉम्प्ली छोड़े सर इसको भी. एक्सपोस्ट फैक्टो इज अ गुड वर्ड. एक्सपोस्ट फैक्टो लिख लें एंड आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. ठीक है, एक्सपोस्ट फैक्टो. रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं वो काम जो हिस्टोरिकली हो रहा हो. अच्छा चलें ये देखें. सर ऑन द एक्सपोस्ट फैक्टो बेसिस डू यू थिंक दैट पाकिस्तानी वुमेन आर फ्री और दे हैव बीन अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर. पूरा पास्ट से अगर एनालिसिस करें, दिमाग में लाएं, तो व्हाट डू यू थिंक. So there are a few restrictions and there are some people say that there are free. So hum baat kar rahe hain sir exposed factor. Chalo ek aur exposed factor basis ke upar baat karte hain sir. Do you think that Pakistan has had a stable government throughout, matlab exposed factor? Ye this is a better comparison sir. Hamare paas na sirf aaj tak history mein sirf ek government tiki hai jo नहीं, जिया वाली तो इट्स नॉट अ गवर्नमेंट यार, वो डिक्टेटरशिप थी. बात करेंगे इसके ऊपर भी. सर हमारे पास सिर्फ एक आसिफ अली जरदारी पहला बंदा था जिसने 5 साल पूरे किए थे. ठीक है, बाकी सब के सब सर 2 साल 3 साल 1 साल 1.5 साल में फारिग हो जाते थे. मतलब पीपल वुड नॉट लेट देम स्टे. तो एक्सपोज फैक्टो मतलब हिस्टोरिकल एनालिसिस. ठीक है sir, even though the change in tax rates were only confirmed in August, they were to be applied ex post facto to profits from the start of the year. sir bhale acha tax year jo change hota na sir, cap sex ki baat kar raha hu to zara sun ke. sir normal calendar year kab chalta hai? January to December. theek hai guys, are you still with me? सो नॉर्मल कैलेंडर ईयर चलता है सर जनवरी से लेकर कब तक, दिसंबर तक. लेकिन जो हमारा टैक्स ईयर चलता है ना सर, वो चलता है जून जुलाई 1st से जून 30th तक. सही है, जुलाई 1st से जून 30th तक. तो सर अगर कोई चीज हमारे पास लेट से आती है, कोई लॉ बनता जी हमारे पास अगस्त में, तो सर वो उस पूरे पिछले 3 महीने पर भी अप्लाई होगा. राइट, जून जुलाई पर भी और अगस्त पे भी. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोस्ट फैक्टो, यानी वो पीछे से भी लेके आएगा चीजों को. आगे बढ़े सर. फोपा लिखे सर. सिर्फ एक्सपोस्ट फैक्टो मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, चले आसान वाली एग्जांपल देखते हैं. रिजवान डू यू थिंक कि अब ये जो सीएम है तुम आए हो, ये बिल्कुल नई चीज कुछ सीखोगे या तुम्हारी जो स्कूलिंग है या तुम्हारी जो कॉलेज तुमने ए लेवल या इंटर किया हुआ उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हम यहाँ पे लेंगे, उसकी कुछ सीखी हुई चीजें तुम यहाँ पे काम में लाओगे? व्हाट डू यू थिंक?
ठीक है जी। तो एक्सपोज फैक्टो की मतलब हमारी नॉलेज बिल्कुल इसी तरह एक्सपोज फैक्टो बेसिस पे चलती है, हम पुराना सीखा हुआ भी अपनी लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है जी, अब तो क्लियर है सर, आगे बढ़े। चलो सर, फो पा लिखें, द प्रोनाउंसिएशन इज फो पा, दिस एक्स इज साइलेंट, दिस एस इज साइलेंट। अच्छा सर, हमारे कल्चर में पेरेंट्स के साथ रहना जब तक हम नहीं मर जाते हैं, जब तक उनका उनकी जिंदगी है सर, 35 साल, 50 साल, 55 साल तक हमारे कल्चर में पेरेंट्स के साथ रहना एक अच्छी बात समझी जाती है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, वेस्ट की तरफ देखें तो सर हमारे पास क्या होता है कि वी हैव अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन लीव देयर हाउसेज और पेरेंट्स सेंड देम अवे आफ्टर 18, राइट? सो आफ्टर 18 इट इज, इफ यू लिविंग विद योर पेरेंट्स, इट इज कंसिडर्ड एज अ शेमफुल थिंग। ठीक है सर, फोपा इज अ सोशल एरर। हमारी तरफ, हमारे पास इस चीज को अच्छे से देखा जाता है कि हम पेरेंट्स के साथ रहें, बट इन द वेस्टर्न कल्चर इट इज कंसिडर्ड एज अ बैड थिंग। सो वहां पर सर दिस बिकम्स अ फो पा। इफ एनी वन हैज सीन दिस, देर वॉज दिस इंटरव्यू विद ऐश्वर्या राय एंड शी वेंट टू हॉलीवुड फॉर अ टॉक शो, एंड द टॉक शो होस्ट आस्क्ड हर हाउ ओल्ड आर यू, एंड देन शी टोल्ड हिम दैट आई एम दिस मच ओल्ड, एंड ही सेड दैट इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया दैट, या शी गेव अ वेरी गुड आंसर। सो इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया दैट चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स टिल द एज ऑफ 35-40, एंड देन द आंसर दैट यू नो मेड हिज नेम, मेड इट्स मार्क इन द हिस्ट्री वॉज, Yeah, we do live with our parents till the age of 40 and 45, but we don't have to ask for appointments to see our parents. And the host was like, you know, he was dead right there at that spot. सर हमारे पास फोक पा की कोई और एग्जाम्पल सर जहेज है, सर हमारे पास फोक पा की कोई और एग्जाम्पल, या वहां पर सर कोई और एग्जाम्पल, सर द कल्चरल डिफरेंसेस, दीज आर ऑल फोर फोक पा। देखें सर, तो यंग लड़कियों से शादी करना अच्छी बात है या बुरी बात है सर, बताएं? कुछ लोग करते हैं, अमीर लोग करते हैं। शादी करना अच्छी बात है, दैट्स इट। ठीक है भाई, मतलब इस बात पे तो हारे सब अग्रीड है ना कि एक 40-year-old बंदे को 24 साल की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ जी, डोनाल्ड ट्रम्प ये चीज लेके आया भाई बंदा। ठीक है जी सर, ये हारिस जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ख्वाहिशात आ रही हैं बाहर थोड़ी बहुत, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं सर। इफ शी इज अंडर 18 एंड नॉट मेच्योर देन इट्स रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं सर, पॉप आगे आगे चलते हैं सर। इन एब्सेंशिया सर, ये वर्ड बहुत जबरदस्त है, लिखें सर इसको, राइट दिस डाउन, इन एब्सेंशिया। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल सर क्या होगी? सर हु नोज द नेम परवेज मुशर्रफ? एवरीबडी नोज द नेम परवेज मुशर्रफ, राइट? सो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ एक सीन ये हुआ कि सर जब वो 11 साल रूल करने के बाद उनका जब एंडिंग पीरियड आया, तो ही वेंट टू दुबई, एंड यहाँ पाकिस्तान में उनके पीछे जब नई गवर्नमेंट आती है, तो उन्होंने उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्राइम करने और गवर्नमेंट गिराने का पूरा वो एक उनके ऊपर केस बना। डू वी नो दैट एवरीवन? ये तो सब, ये काफी लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। अच्छा, ये बन गया सर।
अब जो है ना वो उनके लॉयर को बोला गया कि भाई केस आपके खिलाफ चल रहा है यहाँ पे, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाया, आपके क्लाइंट ने जो है वो यहाँ की जुडिशरी को नुकसान पहुंचाया, हाँ जी अंडर आर्टिकल 6, तो आप उनको लेके आ जाए। अच्छा लॉयर साहब कहते हैं उनके जी वो बीमार है, उनकी सर्जरी चल रही है उनकी, ये वो, और फिजिकली वी कुड सी दैट ही स्टार्टेड लाइक ही लुक्ड इल। अच्छा सर उनको पहली हियरिंग मिली, दूसरी डेट मिली, तीसरी डेट मिली, चौथी डेट मिली, लेकिन अल्टीमेटली जब वो नहीं आ पाए तो उनको सजा सुना दी गई इन एब्सेंशिया, मतलब उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके ऊपर केस कर दिया गया। समझ आता है सर? इज इट क्लियर एवरीवन? ऑलराइट नेक्स्ट सर, सर क्या नवाज शरीफ भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है? यार एनीवन हु इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द ट्रायल इज द एग्जाम्पल। व्हाट इज कन्विक्टेड? कन्विक्टेड सर होता है जिसके ऊपर मुजरिम जिसको साबित हो जाए, जुर्म साबित हो जाए जिसके ऊपर। यानी उसके ऊपर जुर्म को साबित कर दिया गया। आगे बढ़े, लोको पेरेंटिस, प्लेस ऑफ अ पेरेंट, छोड़ें सर इसको, इन सीटो भी छोड़ दें, इप्सो फैक्टो, नोट इट डाउन, इप्सो फैक्टो, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। लिंगुआ फ्रैंका सर, ये लें, समबडी वाज आस्किंग सर गो टू दैट स्लाइड वंस अगेन, ये लीजिए लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, सर आफ्टर लिंगुआ फ्रैंका वी हैव मेयर कल्पा, आई एम टू ब्लेम सर। We will do all of these, right? No, we will not do all of these. We are doing all the important ones. Sir, per annum per capita, pata? Yeah, it's a good news, Ali. Sir, per annum for each year per capita per person. ठीक है जी। Sir, next लिखेंगे per se, जाहिरी तौर पर। पर से अच्छा जो किसी भी केस को फर्स्ट टाइम आप देखते हो, फर्स्ट टाइम बिल्कुल फर्स्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यू नो मे बी वी आर वेटिंग फॉर अजान एवरीवन, पर एनम के बाद सर पर कैपिटल, और पर एनम से पहले हमने कौन सा किया था सर? लिंगुआ फ्रैंका। चले आगे बढ़ते हैं, पर से हो गया सर, पर से लिखा। अच्छा तो पर से का मतलब सर व्हेन वी टेक अ लुक एट द केस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो हमें लगता है कि ये बंदा गलत है, ठीक है, बट वेन वी गो टू द डीपर रीडिंग्स और हमें कुछ और ज्यादा फैक्ट समझ में आते हैं, नजर आता है, तो फिर हम कहते हैं कि जी नहीं जी डिटेल्ड मतलब कुछ और है, राइट? देखें सर, पासिंग द एग्जाम पर से डज नॉट मीन दैट यू विल गेट अ गुड जॉब और यू आर अ गुड अकाउंटेंट, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होती है। अच्छा सॉरी पर से
itself and prima facie is at the first sight. ये मुझसे mix हो गया, sorry. So prima facie is the clear and sorry is the first reading at the first sight. पहली नजर में sir कोई बहुत अच्छा लग सकता है, कोई बहुत बुरा लग सकता है, but you need to have a deeper understanding of the case. जैसे for example ये अभी इसकी बात करें यार, अभी for example हमें लग रहा होगा कि ये जो lady है लखनऊ वाली, हाँ, the lady who slapped the cab driver, हमें लग रहा है कि जी मुजरिम है या पागल है या ये है या वो है, क्या पता कुछ और बाद में फैक्ट्स आ जाए जिनकी वजह से इसका पूरा मतलब शादाब अली जो है वो बैड गाय बन के सामने आ जाए. I'm not saying that he's a bad guy, I'm just assuming that. सर अभी हमें लग रहा है कि लड़की की गलती है, क्या पता बाद में कुछ और फैक्ट्स आ जाए, ठीक है. और आपने जो अनीक एग्जाम्पल दी है वो बिल्कुल अच्छी है, बहुत सही है सर. प्राइमा फिशा है मतलब पहली नजर में लगता है कि यार दिस इज लव एट फर्स्ट साइट, मतलब क्या अच्छा नेक आदमी है सर, ये तो नमाजी भी है परहेजगार भी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बंदा जो है वो कुछ और है. सो फर्स्ट इंप्रेशन, एग्जैक्टली फर्स्ट इंप्रेशन सर. प्राइमा फिशा लिखेंगे और पर्सोना नॉन ग्रेटा लिखेंगे. सर मोहम्मद बिन सलमान कुछ टाइम पहले हमारे पास पाकिस्तान में चक्कर लगा के गए, राइट. हमने उनको वेलकम भी किया. सर इसी तरह कभी हमारे पास कोई इसराइली बंदा आएगा तो हम उसको वेलकम करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कंट्री? डू यू थिंक दैट वी विल वेलकम हिम? नो सर, बिकॉज दे एंजॉय द स्टेटस of persona non grata. ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल सर इसकी, आपको याद हो एक बंदा था हमारे पास आया था रेमंड डेविस नाम का, डू यू रिमेम्बर हिम? रेमंड डेविस वाज अ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम यूएसए एंड ही शॉट टू पीपल इन लाहौर. परसे रहने दें, परसे की जगह प्राइमा फिशाई करना. ठीक है, अच्छा ही शॉट टू पीपल एंड सर उसके बाद वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ली और उन्होंने जो है यहां से चले गए. बट नाउ आफ्टर दैट ही हैज बीन गिवन द पर्सोना नॉन ग्रेटा स्टेटस, ये वो जो है वो पाकिस्तान में अनवेलकम है. Can you all hear me still? Meri awaaz aa rahi clearly? Chalo aasan example deta hu main. Sneha idhar suna meri baat suna. Sir abhi humne dekha tha ki humne Parvez Musharraf ko jo hai wo kya kar diya tha, ek traitor अनाउंस कर दिया सर उनके ऊपर बकायदा केस चला. सर एक ट्रेटर को डू यू थिंक दैट ही विल बी वेलकम इन पाकिस्तान और नॉट? या अगर कभी अल्ताफ हुसैन आएंगे तो हम उनको फूलों के हार पहनाएंगे, हथकड़ी पहनाएंगे? व्हाट विल वी डू विद हिम? तो मेरे बच्चों पर्सोना नॉन ग्रेटा वो बंदा है जिसको पाकिस्तान की जमीन पे पैर रखने की इजाजत नहीं, अगर वो आएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. दैट्स हाउ इट इज. ठीक है जी सर, डू वी हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीस वर्ड्स? यार इस पूरा घंटा इसी के लिए तो जाया कर रहे हैं हम लोग, इनको याद करना. ही इज काइंड ऑफ अ डिपोर्टेड पर्सन, या वो बंदा जिसने आपकी सरजमीन पे कोई जुर्म किया हो या आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत बुरे हो जैसे इसराइल. ठीक है, अ
right. So moving on to the next word, sir. MCQs based aayenge. Beta, sab kuch MCQs based aayega. Pro bono, sir. Now check this out, sir. Suppose that you're a lawyer and your name is what? Jibran Nasir. And people bring a case to you, and the case is about a girl who has been falsely convicted and who has been forcefully married and converted into the folds of Islam. और आपने वो केस ले लिया और आप सर वो केस लड़ना है बगैर किसी फी के बगैर किसी चार्ज के तो सर यू आर फाइटिंग दैट केस ऑन प्रो बोनो बेसिस. सर ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है कि पाकिस्तान में हो चुका है. जिब्रान नासिर इज अ रियल पर्सन. द लेडी द गर्ल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज आरजू राजा एंड दिस इज अ रियल हेडलाइन स्टोरी ऑफ पाकिस्तान. किसी की नजर से गुजरी है ये? चले सर. तो प्रो बोनो इज डूइंग समथिंग ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस व्हेन ही इवन फॉट फॉर द एग्जाम कैंसिलेशन. बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है. तो उन्होंने कोई पैसे लिए थे भाई किसी स्टूडेंट से? नहीं लिए थे सर. अब ये सोचो, नाउ इमेजिन दिस सर. यू से समवन, यू से समथिंग लाइक दिस टू अ फ्रेंड और समवन कि जी यार आई एम डूइंग इट फॉर फ्री. And then you say, I'm doing it on pro bono basis. Sir, kis mein zyada maza? Aap khud bata. So try to remember these words, everyone. Sir, dost pareshan ho jayenge sunke. Yehi pareshani to karni hai, bhai. Hum chartered accountants hain. हम पढ़े लिखे लोग हैं. हम इंटर पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, बीकॉम शीकॉम करने वाले लोग नहीं है सर हम. ही टुक पार्ट इन इलेक्शंस, ठीक है. नहीं नहीं नहीं, वी डोंट नीड टू मेमोराइज के किस जुबान से वर्ड आ रहा है. मीनिंग पता होना चाहिए बस, बहुत है. सर नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉम के सरासरा, स्पेनिश लैंग्वेज. के सरासरा सर हैज बीन यूज्ड इन सो मेनी सॉन्ग्स इवन इन बॉलीवुड. Has anyone seen that Prabhu Deva Madhuri Dixit song Ke Sara Sara Jo Bhi Ho So Ho? Has anyone seen that song? Sir, do you want to see it now? All right, I'm going to show you two songs. ठीक है, take a look at this one. अजान हो गई यार. This is a sign that we are not going to listen to the song. We are waiting for अजान now.
All right. Yes, sir. We can take the example of demo classes as pro bono. Sir, why we are learning some selective words and not all of the words? Because all of the words have never been asked by the examiner. And the words that we are dealing with, हमारे पास ना कोई 4,500 word हैं sir. We cannot memorize all of them. So जो पूरी list करनी है, वो भी मैं बताऊंगा कि वो उसमें से एक-एक word उठाएंगे. और जो ऐसे मतलब selected करने हैं, वो भी मैं बता दूँगा. ठीक है अच्छा जी सर केसरा सरा मतलब कि व्हाटएवर कम्स लेट इट कम जो होना हो जाने दो ठीक है केसरा सरा मतलब यू नो जो भी होता है हो जाए इट डजंट मैटर वी विल डू व्हाटएवर वी वांट टू डू फॉर एग्जांपल किसी ने भी मेंशन किया सर सीए करना अब केसरा सरा मतलब व्हाटएवर हैपेंस आई विल हैव टू डू दिस आई वांट टू डू दिस नहीं नहीं मेरे भाई इट्स नॉट दैट केस इट्स रियली नॉट दैट केस हारिस अच्छा जी क्विड प्रो को हैव यू हर्ड द फ्रेज दैट देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड हर चीज के बदले आपको कुछ देना पड़ता है सर देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे सर क्विड प्रो को मींस दैट If you want to buy something, you have to pay something. If you want to have something, you have to give something. If you want to learn, you have to pay something in return. You have to lose something in return. So that is another way of saying the opportunity cost. Right? ठीक है जी आगे बढ़े सर दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द सोल स्टोन सीन इन एवेंजर्स एग्जैक्टली सर इन ऑर्डर टू गेट द सोल यू हैव टू गिव गेट अ इफ इन ऑर्डर टू गेट द सोल स्टोन यू हैव टू गिव अ सोल सो क्विड प्रो को स्टेटस को लिखे सर स्टेटस को इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अस नाउ इसके मीनिंग में आप लिखेंगे डू नॉट अपसेट द एप्पल कार्ट ओके डू नॉट अपसेट द एप्पल कार्ट दिस इज एन इडियम ठीक है जी सर डू नॉट अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ थिंग्स है डू नॉट चेंज दैट ठीक है जो जैसी चीजें हैं उनको वैसा चलने दें उनको वैसा ही रहने दें ठीक है नमाज ब्रेक देता हूं बेटा नमाज ब्रेक देता हूं ठीक है जी नाउ स्टेटस को का मतलब जो कंडीशन जो हालात मौजूदा दौर में चल रहे हैं सर एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब करप्शन इज देयर सो करप्शन शुड स्टे एज इट इज व्हिच मींस दैट इफ समवन इज ट्राइंग टू चेंज दैट रूल इफ समवन इज ट्राइंग टू फाइट करप्शन द पीपल ऑफ करंट टाइम वुड थिंक दैट दे आर ट्राइंग टू चेंज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अपसेट द एप्पल कार्ट दे आर ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस को ठीक है बच्चों तो The government is looking to change the status quo because they hold the view that just because the state of affairs has existed for a long time, that does not mean the status can the situation cannot be improved upon. नहीं, COVID is not status quo. COVID normal हालात में थोड़ी होता है यार. Normal हालात में जैसे for example we do have the setup of dowry. हम जहेज लेते हैं sir. This is a status quo. ये एक established कहानी बन चुकी है हमारे culture की. एक टाइम था जब सती वाज कंसीडर्ड एज अ कॉमन प्रैक्टिस याद है ना सती व्हेनेवर हस्बैंड डाइड द पीपल वुड
you know, put the wife on the burning body and wo saath mein jala dete the. That was a status quo. ठीक है. जैसे सर हम कर रहे हैं what if they come. अच्छा जो फ्रेज हम नहीं कर रहे what if they come सर, अभी तक मैं कोई 6 साल से ये सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, they have not appeared sir, believe it or not. ठीक है, so don't worry about that. अच्छा जी सर वर्बेटम लिखे हैं. Verbatim means as it is. ठीक है, word for a word. जैसे हम लोग जब कोई बंदा हिफ्ज करता है तो वो कुरान को verbatim याद करता है, exactly the same words में याद करता है. ठीक है, whenever we are talking about quoting something, हमें वो quote verbatim लिखना होता है, मतलब as it is, just like direct narration, exactly. सर नेक्स्ट क्लास हम लोग जूम पे लेंगे क्लास. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है सर? बाय द वे ओके ठीक है सर, कोई इशू नहीं है सर, जूम पे ले लेंगे, आप जैसे बोले. अच्छा सर, अब जो कुछ नेक्स्ट वर्ड हमारे रिमेनिंग है सर, हम इनको करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, अभी चलते हैं हम ग्रामर की तरफ. ठीक है, मंडे से होपफुली फिजिकल है. बिल्कुल सर, शुड वी मूव ऑन टू द ग्रामर साइड नाउ? ग्रामर का अलग जर्नल बनाना चाहे अलग बना ले, सेम रजिस्टर में सेक्शन बना सकते हैं तो वहां पे भी बना ले, कोई इशू नहीं है. अच्छा सर, सर आज के लिए मैं सिर्फ आपको ना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, दैट्स इट. सर विज़ावी जो जितने वर्ड्स रह गए वो बाकी कल करेंगे. ठीक है, आ जाए इधर, आ जाए सर. हम आज एक छोटा सा इंट्रो ले रहे हैं किनका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बस. हाँ जी, 3 पोर्शंस होंगे. हारिस डोंट वरी यार, कल बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, हर एक वर्ड को टच करेंगे. सही है, आ जाए सर. पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला आता है नाउन. सर नाउन कौन होता है सर? नाउन इज अ क्या होता है सर? नाउन इज अ सर, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सिंपल. ठीक है, इट कैन नेम एवरीथिंग. सर अगर हम इसकी जगह कोई और वर्ड रखना चाहें तो वो क्या वर्ड होता है सर? सर वो होता है प्रोनाउन. ठीक है सर, प्रोनाउन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन. ठीक है, नहीं, स्पेशल नेम इज अ प्रॉपर नाउन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन टुडे. ठीक है, अच्छा सर, अगर नाउन या प्रोनाउन कोई काम कर दे या इनकी कोई कंडीशन बता दी जाए तो अब क्या सर? हम आ गए वर्ब के ऊपर. सर वर्ब इज एन एक्शन और अ स्टेट. ठीक है, अच्छा सर, नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताई जाए या इनकी कोई बुराई की जाए या इनके बारे में कुछ मजीद बताया जाए तो वो क्या सर? वो है एडजेक्टिव सर, यानी ये एक तरह से एक्सप्लेनेशन है ऑफ नाउन और प्रोनाउन. ऐसे ठीक है बच्चों? अच्छा सर, अदर नाउन या प्रोनाउन, अच्छा किसी भी चीज का नाम क्या होता है मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ फिर से एक दफा. जल्दी से सब बताएंगे सर, सब बताएंगे, कम ऑन सर. किसी भी चीज का नाम होता है नाउन.
सर नाउन की जगह आने वाला वर्ड क्या होता? सर प्रोनाउन होता। अच्छा प्रोनाउन या नाउन की कोई क्वालिटी, कोई बुराई, कोई अच्छाई, कोई डिटेल आ जाए तो एडजेक्टिव, सही है। सर अगर इन दोनों की कोई आ जाए हमारे पास, अगर ये दोनों कोई काम कर दें तो वर्ब। सर इनके काम की कोई क्वालिटी बता दी जाए, मतलब ये लिखता बहुत अच्छा है, ये गाता बहुत जबरदस्त है, तो सर ये क्या, ये है एडवर्ब, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द वर्ब। अच्छा इसके आगे मैं तीन डॉट्स लगा रहा हूं, इसका मतलब ये बात कंटिन्यूड है, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है जी। सर कौन है ये, मोहम्मद अजान, मोहम्मद अजान, प्रोनाउन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन, एनी वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर अली, तो अली की जगह मैं अगर आइंदा बात करूंगा तो मैं अली की जगह क्या लगाऊंगा, ही लगा लूंगा, ठीक है, थैंक यू अली, थैंक यू। So this he is a pronoun, ठीक है। अच्छा सर अगर इस अली या ही की कोई क्वालिटी आ जाए सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, चले मैं साथ साथ एक एग्जाम्पल भी देता जाता हूँ, ठीक है, सही है जी। अच्छा सर इनकी कोई क्वालिटी आ जाए, यानी अली जो है ना वो बड़ा स्मार्ट है और सर बड़ा ब्रेव है, सर बड़ा टॉल है, ये सारे वर्ड्स क्या है, इसके एडजेक्टिव्स हैं। सर अली या उसकी जगह यूज होने वाला प्रोनाउन अगर कोई काम कर दे तो सर गो, टीच, कम, या अगर कोई स्टेट दिखा दे, यानी बी, हैव, या बिलीव, ठीक है, तो ये स्टेट हो गई सर, ठीक है जी। सर एडवर्ब क्या है, एडवर्ब द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क, यानी फास्ट, स्लोली, क्विकली, ठीक है, सर वंस अगेन किसी भी चीज का नाम, नाउन सर, नाउन की जगह आने वाला वर्ड प्रोनाउन, सर प्रोनाउन और प्रोनाउन की कोई क्वालिटी एडजेक्टिव, सर नाउन एंड प्रोनाउन अगर कोई काम कर दें तो वर्ब, सर नाउन एंड प्रोनाउन अगर इनके काम की कोई क्वालिटी बता दी जाए तो एडवर्ब। सर नाउन एंड प्रोनाउन को हमने एक सेंटेंस में जोड़ना है तो हम लेंगे क्या सर, कंजंक्शन, ठीक है सर। जैसे कनेक्टिंग वर्ड कौन से हो सकते हैं सर, द मोस्ट फेमस वन एंड, बट, सो एंड एटसेट्रा, ठीक है जी, और इज ऑल्सो देयर। सर देन वी हैव प्रीपोजिशन, सर प्रीपोजिशन इट इज अ वर्ड दैट गिव्स मी the location, time or movement, कर सकते हैं सर, फैन बॉयज वाला चक्कर अभी अभी कर लें, कोई इशू नहीं है, बाकी सबको थोड़ी देर में बताऊंगा। सर लोकेशन, टाइम और मूवमेंट, ठीक है सर, कौन से वर्ड होते हैं, इन, फेमस वन, ऑन और एट, सही है, देर एंड हेयर मुनवर, ये होंगे आपके एडवर्ब्स, ठीक है मेरे बच्चों। सो ये सारे प्रपोजिशन सर हमारे सिलेबस का पार्ट होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो हम लोग स्टार्ट लेंगे नाउन सर, ठीक है। लेट मी शो इट टू यू फ्रॉम द स्टडी टेक्स्ट वेरी क्विकली। इंटरजेक्शन सर नहीं है हमारे सिलेबस में, लकली
इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स लाइक हुर्रा, ये यप्पी जो फीलिंग्स दिखाते हैं, ठीक है? ये ले सर, ये कॉपी कर लें मेरे पास। If you want, you can take a screenshot. I have a question regarding the new policy. Bolen ji, Ali, Bolen. Does it apply on us? Yar, AFC tumhara pura niklega, theek hai? AFC aap isi attempt ke hisab se loge. Aapke upar sirf itna sa application hoga ki aapko jo hai wo option diya jayega ki aap intro to accounts ki exemption lena chahte hain ya nahi. Intro to accounts or intro to economics क्या आप exemption लेना चाहते हैं या नहीं? That's it. बाकी सारे आदर्श हैं सब कुछ. यानी आप चार पेपर दोगे और आपको पांच पेपर क्लियर करके दे देगा क्या आप? ठीक है? हाँ, you can do that. A levels के basis पे जो exemption मिलती थी ना, वो सबको मिल रही है. Sir, can you show the explanation of the parts of speech which you wrote? Sure, sir. Yeah. Let me zoom it out ताकि सबको एक ही जगह पर दिख जाए. सही है? Sir, exemption is a good choice or not? Exemption is always a good choice, yaar. Pata nahi paper nikle na nikle, to fir aap le lo, koi issue nahi hai. Lekin classes lazmi lena, theek hai? ठीक है बेटा, आज के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं. नमाज पढ़ लें आप, और आज क्योंकि हमारे पास बुक्स भी नहीं है, तो मंडे को यार मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द बुक्स. ठीक है, जो हमने बोला ना, ऑल द बुक्स का मतलब ये कि यू ऑल हैव बुक्स ऑफ जॉन ईस्टवुड, वो एक बुक आपके पास होनी चाहिए. लेट मी शो इट टू यू हाउ इट लुक्स लाइक. सर, अगर आप उसको सर, ये पीडीएफ में ले आइएगा, ये आराम से आपको, सॉरी हार्ड कॉपी में ले आइएगा, ये आपको मिल जाएगी आराम से. ठीक है, दिस इज द वर्जन दैट इज करंटली. सर, यू कैन गेट इट फ्रॉम उर्दू बाजार, यू कैन गेट इट फ्रॉम द बुकशॉप फ्रॉम एआरटीटी, लेकिन आई थिंक बुकशॉप पे शॉर्ट हुई हुई है, तो आप उर्दू बाजार ट्राई करें लाजमी. ठीक है, इट इज अवेलेबल इन द पीडीएफ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको हार्ड कॉपी पे लेकर रखो. क्या एआरटीटी होम डिलीवरी देता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है. नहीं यार, ऑक्सफर्ड की ही बुक से नहीं मिलेगी. यू कैन गो टू एनी बुक स्टोर इन उर्दू बाजार, यू कैन आस्क इट फ्रॉम देयर, आपको पहले दूसरे तीसरे दुकान पे इलाज में मिल जाएगी. ठीक है, इसको ले लें सर, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ग्रामर स्टार्ट करते हैं. ARDT की शॉप कहाँ है? सर, ARDT की शॉप ARDT कैंपस पे है. HSC वालों को कौन से पेपर में एग्जम्पशन मिल सकती है? बेटा, अभी जो ये चक्कर हुआ ना न्यू स्कीम वाला, इसमें सबको एग्जम्पशन मिल रही है, इंट्रो टू अकाउंट्स और इंट्रो टू इकोनॉमिक्स में, गिवन द पॉइंट कि आपका AFC क्लियर हो. ठीक है सर, दोज हु आर नॉट वैक्सीनेटेड कैन दे टेक फिजिकल क्लासेस? यार, व्हाई द फर्स्ट क्वेश्चन इज फरहीन, व्हाई आर यू स्टिल नॉट वैक्सीनेटेड? AFC में एग्जेम्पशन लेने के लिए सर आपको इंग्लिश में और QT में एग्जेम्पशन मिलती है. इंग्लिश में एग्जेम्पशन लेने के लिए यू नीड टू रिमेम्बर दैट 70-75 and 70 मेथड इफ यू आर एन इंटर स्टूडेंट, मतलब you need to get 70 marks, 70% marks in aggregate, 75% marks in the given subject,
in which you want the exemption and 70% course should be matched. ठीक है. And if you're an A-level student, तो आपके साथ two B's होने चाहिए, I guess. और आपके पास जो है वो 70% course match होना चाहिए. And QT में आपको तब मिलती है सर जब आपने further further maths का paper qualify किया वो A-levels में. ठीक है जी, आज की क्लास के लिए सर इसको यहीं पे रोकते हैं. गेट द बुक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट ग्रामर पोर्शन. नमाज पढ़ें एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.